क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम टोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने सोलेनोइड पढ़ा। सोलेनोइड जो यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। सिमिलरली टोरॉइड भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, पर इसका जो प्लेसमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का तरीका है वो थोड़ा सोलेनोइड से अलग है। तो यू कैन सी दिस फिगर, इट इज़ ए हॉलो सर्कुलर रिंग। हॉलो सर्कुलर रिंग के फॉर्म में इसको टर्न किया जाता है। ये सोलेनोइड हमने पढ़ा था स्ट्रेट होता है, इन दिस केस ये इस तरह से राउंड राउंड करके यहाँ पे इट इज़ कनेक्टेड टू द करंट डिवाइस। ओके, डीसी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से करंट पास होगा, तो दिस वे दिस करंट विल फ्लो। तो एक साइड से करंट जाएगा दूसरे साइड से वापस, इट विल कनेक्टेड टू बैटरी। तो इट इज़ अ हॉलो सर्कुलर रिंग ऑन विच ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर आर क्लोजली वाउंड। टर्न्स लिए हुए हैं वायर के। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए सोलेनोइड विच इज़ बेंट इन ए फॉर्म ऑफ ए सर्कल। सोलेनोइड को ही सर्कल के फॉर्म में हमने बेंड कर दिया तो वो टोरॉइड हो जाता है। ओके, इसमें सिंपल आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है यूजिंग एम्पीरियन लूप ये सॉल्व किया जाएगा। पर टेक्स्ट बुक में इसमें तीन लूप बनाए हुए हैं, एक अंदर लूप बनाया है, एक इसकी ये तो एक लूप है जो हमको कैलकुलेट करना है एक्चुअली, और एक लूप बाहर बनाया हुआ है। दिस यू कैन सी इन द फिगर, सो यू शुड नॉट कंफ्यूज। यहाँ दिस ये आपका दिस वन ये और दिस वन ये आपका टोरॉइड है, इसके अंदर एक लूप बनाया है दिस वन, इसका रेडियस आर वन लिया है, फिर इसके टोरॉइड के अंदर से एक लूप बनाया है, एक्चुअली दिस इज एम्पीरियन लूप जिससे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, और ये बाहर ये लूप बनाया है टोरॉइड की। तो वन जो लूप अंदर है बी वन, यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक नोट्स, उसमें दैट टोल्ड यू कि ये इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ज़ीरो, बिकॉज करंट यहाँ पे इंक्लोज ज़ीरो है। करंट तो टोरॉइड में हमने सप्लाई किया है, तो अंदर मतलब ये पी पॉइंट पे करंट ज़ीरो होगा। सो बी वन जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड है इस एरिया में ज़ीरो रहेगा। इसी तरह सिमिलरली बाहर की तरफ अगर हम इस तरफ अगर लूप बनाएंगे तो वहाँ पे भी करंट, एक करंट बाहर निकलेगा, यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई है, एक करंट बाहर निकलेगा क्रॉस और एक करंट अंदर जाएगा डॉट। तो दोनों करंट की जो डायरेक्शन है वो बाहर आएंगी तो उल्टी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन करंट विल कैंसिल आउट। तो आउटसाइड द टोरॉइड नो करंट इज देयर, सो इलेक्ट्रिक करंट इज ज़ीरो। तो इस थर्ड लूप में भी आपका मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो। ओके, तो इस तरह से दो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाते हैं। तो एक बच गया आपका एक सिंगल एम्पीरियन लूप, दिस एम्पीरियन लूप यू हैव टू कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसमें से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका टोटल करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो एम्पीरियन लूप आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू अप्लाइंग द एम्पीरियन सर्कुलर लॉ फॉर द लूप ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है सेंटर से आप देखेंगे तो इसका रेडियस हम आर लेते हैं। तो सर्कुलर लॉ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई, ये हमने सर्कुलर लॉ में पढ़ा है। तो पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, तो बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा जीरो डिग्री रहेगा क्योंकि ये देखिए मैंने डायरेक्शन बनाई है, ये डी एल एलिमेंट अगर हम कंसिडर करते हैं तो बी की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में बी जाएगा, तो दैट विल इन दोनों के बीच का एंगल जीरो है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, हर एक पॉइंट पे इसी तरह से रहेगा, तो एट ईच पॉइंट थीटा विल बी ज़ीरो। दिस यू कैन कैलकुलेट डायरेक्शन, यू कैन कैलकुलेट यूजिंग राइट हैंड थम रूल। ओके, सो तो कॉस थीटा ज़ीरो रहेगा तो थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डी एल, बी इज़ ए टेंजेंशियल इसीलिए हम लोग ऊपर की तरफ उसका डायरेक्शन ले रहे हैं, बी डी एल थीटा इज ज़ीरो, सो फाइनल इंटीग्रल विल रिमेन बी डी एल कॉस ज़ीरो वन हो जाएगा। देन बी इज़ कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट, बी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है पूरे मैग्नेटिक पूरे सर्कुलर लूप में, तो बी को हम बाहर रख देंगे। मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन इज चेंजिंग। देन
बच गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल इक्वल टू बी क्रॉस, अभी डीएल डीएल का क्लोज इंटीग्रल करेंगे मींस फुल सर्कल का आपको सर्कमफ्रेंस लेना है, दैट विल बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू जीरो आई, ये तो यहाँ से दिस इज कमिंग हियर। सो फाइनल आपका जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी बी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर इक्वल टू म्यू जीरो आई, यहाँ पे 2 पाई आर भी आएगा। देन सिंस एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड, टोरॉइड में एन हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं, तो एन मीन्स क्या होता है, हमने सोलेनोइड में पढ़ा स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पूरी लेंथ का ले लेंगे तो एन एल हो जाएगा, और पूरी लेंथ कितनी है 2 पाई आर। सो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो म्यू जीरो एन आई बाई 2 पाई आर आ जाएगा, देन इंस्टेड ऑफ एन यू पुट एन 2 पाई आर, एन 2 पाई आर पुट करेंगे तो 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर विल बी म्यू जीरो एन आई, और दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द टोरॉइड। ओके, देन दिस इज अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरे सर्कुलर सर्कल में जितने भी टर्न्स होंगे टर्न्स पर यूनिट लेंथ जितने भी होंगे उसको मल्टीप्लाई करके टोटल आई करंट जितना आपने पास किया है उतना आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इट मीन्स वॉट, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स देन यू विल गेट मोर मैग्नेटिक फील्ड। Thank you.